अस्सलामुअलैकुम। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल हफीज़ुल्लाह दिल सोज। मैं भी आप सारी सभी ठीक होंगे। आज का जो टॉपिक है वो इंटरेस्ट, किस किस का किस चीज़ में किस फील्ड में ज़्यादा इंटरेस्ट है। जो मेरा जो इंटरेस्ट है वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग में। तो मैं आज आपको बना के दिखाऊँगा कि एक कार्ड, एक स्टूडेंट कार्ड या बिज़नेस कार्ड कैसे बनानी है। तो मैं अभी इसके लिए डिफरेंट सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं, जो कि मैं यूज़ करता हूँ कोरेलड्रॉ। इसके लिए फोटोशॉप भी यूज़ कर सकते हो आप, अगर किस आपको किस सॉफ्टवेयर भी काम आता है तो वो यूज़ कर सकते हो। तो मुझे कोरेलड्रॉ पे अच्छा काम आता है, तो मैं कोरेलड्रॉ यूज़ करके दिखाऊंगा आपको कि कोरेलड्रॉ पे कैसे मैं कार्ड बनानी है। कोई भी कार्ड, कोई बैनर हो, तो मैं आज कार्ड बना के दिखाता हूँ। यहाँ में सबसे पहले मैंने जो लोगो है वो इम्पोर्ट करनी है। मेरे पास वो पड़ी हैं, वो बनाने इतनी मुश्किल भी नहीं है, लेकिन टाइम लगेगा बनाने में मुझे। तो इसलिए मैं लोगो यहाँ पे अभी पेस्ट कर देता हूँ। आप देख रहे हैं इसका जो साइज़ है वो थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, और यहाँ पे भी मैंने इसको, ठीक है। इसके बाद मैंने अभी एक पिक्चर जो इम्पोर्ट करनी है। पिक्चर्स यहाँ पे मेरे बहुत सारे पिक्चर पड़े हैं, उसमें से मैं यही एक यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। आप देख रहे हैं ये जो पिक्चर है, ये पूरा यानी कि जो बॉर्डर है बहुत वहीं तक नहीं पहुँचा। ये दो चीज़ें तो होगी। अभी मैं जो टेक्स्ट आइकन है वो सिलेक्ट करने जा रहा हूँ, और यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं वहाँ कैंपस, जो वहाँ कैंपस। और इसका जो साइज़ है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो गया, तो मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। ये आप देख रहे हैं, और इसको मैं यहीं पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है, इतने की। और इसके बाद मैं यहाँ पे नाम अपना लिख लेता हूँ, HAFIZULLUL LH। और मैं इसका भी साइज़ थोड़ा सा छोटा करने जा रहा हूँ, ये बहुत ही जो कह रहे लंबा छोड़ा हो गया, तो मैं चलो इसको थोड़ा सा इस तरह करूँ, और इसको यहीं पे पेस्ट कर लूँ। इसके बाद मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ CIT, इसके बाद FN19, BCS 131 एंड वाह। जो इसका जो साइज़ है वो भी छोटा करनी है मैंने, क्योंकि जो साइज़ इसका है तकरीबन इसी इतना ही है, ठीक है। और इसके बाद मैंने यहाँ पे एक और चीज़ लिखनी है, वो ये है कि डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस, ठीक है, ये भी हो गया। और इसका जो साइज़ है वो भी मैं छोटा करता हूँ, ताकि कार्ड में जिस तरह दिया गया है उतना ही करने में, ठीक है। कार्ड में इसको थोड़ा सा और छोटा करता हूँ, हाँ, अब ठीक है। अब कार्ड में जो थोड़ा सा यहाँ पे कुछ डिज़ाइन उसने किया, तो उसके लिए मैं सबसे पहले जो कार्ड का साइज़ एक रेक्टेंगल बॉक्स लेता हूँ, और यहाँ पे मैं फिर एक लाइन सेलेक्ट करता हूँ जिससे मैं लाइन ले सकता हूँ। ये आप देख रहे हैं, ठीक है, हाँ बिल्कुल इतना ही है। और एक लाइन वो मैंने सेलेक्ट करनी है जो कि यहाँ पे, ठीक है। और एक लाइन मैंने एक एक्स्ट्रा चाहिए, वो यह इसके लिए कि जो आप देख रहे हैं कि और इसके बाद मैं ये कर्व शेप मैं सिलेक्ट करने जा रहा हूँ, ठीक है। और आप देख रहे हैं इसको मैं थोड़ा सा यू कर, ओके, ये बन गया। अब सिर्फ रह गया क्या, रह गया कलर। कलर इसको कैसे देनी है, ये कलर मैं इसको दे देता हूँ, ये इसको और ये इसको। लेकिन इसमें कोई आप लोगों को अगर नज़र आ रहे कुछ यानी कि बिल्कुल एज इट इज़ कलर्स नहीं है, तो मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पे ये कलर रख लेता हूँ, और यहाँ पे थोड़ा सा इससे जो थोड़ा सा कम है वही रख लेता हूँ,